बहुत अच्छा लग रहा है, एक बढ़िया, इसलिए कि जामनगर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई पहचानता भी नहीं है जामनगर को, द्वारिका के हिसाब से ही सब पहचानते भाई जामनगर द्वारिका से पहले आता है। एकदम बहुत प्राउड हो रहा है हमें कि इतने बड़े बड़े लोग जामनगर आ रहे हैं। हमारे लिए जामनगर वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि जामनगर वैसे तो छोटी काशी कहा जाता है और इंडिया का पेरिस भी कहा जाता है, तो इन दोनों चीज़ों से तो ये जामनगर फेमस था ही, लेकिन जामनगर में यहाँ पर जो हमारे अंबानी जी है भारत के, और मैं तो कहूँगा कि दुनिया के टॉप लीडर्स में से है, बिजनेस आइकन है, और उनकी भी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है, और उनके छोटे बेटे अनंत की शादी हो रही है, और उन्होंने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ जामनगर में रखा है। तो इस फंक्शन में देखा जाए तो कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, मार्क जकरबर्ग है, बिल गेट्स जैसे शकीरा है, तो वे सभी आ रहे हैं, पूरा बॉलीवुड आ रहा है, और मेरे ख्याल से आज तो सलमान खान और शाहरुख खान भी आ गए हैं, और पूरी क्रिकेट टीम आ रही है। तो विश्व को माने कि एक जामनगर के फलक पर लाके खड़ा कर दिया हो, ऐसा महसूस होता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इससे पहले कभी भी ऐसा बड़ा फंक्शन हमारे जामनगर सिटी में हुआ नहीं है, और अभी ये मतलब ग्लोबली लीडर्स सारे आ रहे हैं, सारे फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, इसीलिए हमारे जामनगर भी मतलब आने वाले फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाएगा, और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हम जहाँ पे रहते हैं उधर ऐसा बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ये जो अनंत अंबानी जी की शादी हो रही है, इसके लिए पूरा शहर बहुत खुश है, और पूरे शहर में सजावट हो रखी है, और उसने जो वनतारा नाम का प्रोजेक्ट जो प्राणियों के लिए किया है वो भी बहुत सही है, और यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड है उसको देखने जाने के लिए।